हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेट और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटरनेट। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी कि जो इंटरनेट हम पढ़ रहे हैं वो ई कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हैं। सो ई कॉमर्स रिक्वायर द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग इंश्योर इंटरकनेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स इन सच अ वे दैट दीज आर एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड शेयर द रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। ओके, सो द इमरजेंस ऑफ नेटवर्किंग फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें और वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें और मेट्रोपोलिटन नेटवर्क्स। ओके, so the people in the network wanted to communicate with people in the another network, therefore a network of network was formed. This network of network is known as internet. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क नोन एज इंटरनेट। ओके, एंड नेटवर्किंग इंश्योर्स इंटरकनेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स इन सच अ वे दैट दीज आर एबल टू कम्युनिकेट with one another and share the resources like printer. The emergence of networking formed various types of network like LAN, WAN and metropolitan network. So the people in network wanted to communicate with another network. Therefore, a network of network was formed. This network of network is known as internet. तो इसको internet बोलते हैं. Second क्या है? World Wide Web. WWW stand for World Wide Web. Is a subset of internet. ठीक है, full form WWW is a
वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ असेसिंग इंफॉर्मेशन, इज अ वे ऑफ असेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ओवर मीडियम ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे आप क्या करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब को असेस कर, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इंफॉर्मेशन को असेस करते हो। इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल, ये क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट, दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट। आपने देखा होगा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है तो उस इंफॉर्मेशन को आप फीड करोगे टॉप पे, और जब उसको आप प्रोसेस करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप असेस करना चाहते थे वो रिजल्ट आपके सामने है। तो ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, द वेब यूज द HTTP प्रोटोकॉल, वेब यूज HTTP, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, Only one of the language spoken over the internet. Only one of language spoken over internet to transmit data. Okay. So, web services use the web to share information. Web also utilize browsers such as internet or explorer. ये सारे क्या browsers होते हैं? ठीक है, browsers के through आप क्या करते हो, internet को run करते हो और information को access करते हो। वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस, वेब डॉक्यूमेंट्स में वेब पेजेस होते हैं। जैसे कोई भी आप इंफॉर्मेशन सर्च करो तो जितनी बार आप इंफॉर्मेशन क्लिक करोगे उतने वेब पेजेस ओपन होंगे। डेटा लिंक टू ईच अदर बाय हाइपरलिंक्स, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय हाइपरलिंक्स। सो वेब डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन ग्राफिक्स, साउंड एंड टेक्स्ट एंड वीडियोज। ओके, अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, क्या डिफरेंस है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। ठीक है, तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी थ्रू ओपनिंग द नेटवर्क टू कमर्शियल इंटरेस्ट, बिगेन ओनली इन 1988। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब 1983 में स्टार्ट हुआ था। नेम ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ अर्पानेट, इंटरनेट का जो फर्स्ट वर्जन था वो अर्पानेट था, और वर्ल्ड वाइड वेब की जो फर्स्ट फर्स्ट वर्जन था वो NSFNet था। ठीक है, इंटरनेट कंप्राइजेज ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड वायरलेस नेटवर्क्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड वेब की, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंप्राइज फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट स्टोर इन द वेरियस कंप्यूटर्स। इंटरनेट गवर्न किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब गवर्न किया जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। तो दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, इंटरनेट को असेस करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, और वर्ल्ड वाइड वेब में HTTP प्रोटोकॉल लगे होते हैं। ठीक है, इंटरनेट डिपेंडेंसी, दिस इज द बेस इंडिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का जो मेन बेस है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट पे आप वर्ल्ड वेबसाइट को सर्च करते हो और इंफॉर्मेशन को असेस करते हो। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड वेब है इट इज डिपेंड ऑन इंटरनेट वर्क।
ये तभी काम करता है, इंफॉर्मेशन आप तभी असेस कर सकते हो जब इंटरनेट काम कर रहा है, यानी कि नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट हार्डवेयर है और वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर है। तो ये मेन डिफरेंस थे दोनों के बीच में, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने शुरुआत की थी वर्ल्ड वाइड वेब की 1983 में। टिम बर्नर्स-ली को फादर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो इस तरीके ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो ई कॉमर्स के किसी भी टॉपिक में तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। और जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सभी को मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से पहुँच जाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।